वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। आज हम लोग बात करेंगे कैसे फोकल लेंथ फाइंड करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की बाय द यूवी ग्राफ मेथड। तो वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगी कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ से कैसे फोकल लेंथ फाइंड करेंगे और ऑब्जर्वेशंस कैसे लेने हैं। तो आपको 4-5 ऑब्जर्वेशन लेने होते हैं, तो एक ऑब्जर्वेशन का मैं वीडियो आपको इसमें शूट करके दिखाऊंगी। वैसे ही आपको ऑब्जर्वेशन लेने हैं और यूवी ग्राफ आपको प्लॉट करना है जिससे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों ही कन्वर्जिंग हैं, बस मिरर में रिफ्लेक्शन और लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। तो जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है कॉनकेव मिरर की भी फोकल लेंथ फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ यूवी ग्राफ मेथड, तो उसमें भी आपको सेम ग्राफ कैसे प्लॉट करना है या उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो इसी एक्सपेरिमेंट पे जो आज बताऊंगी मैं उससे मेल खाता है। तो आप उसको भी ठीक इसी तरीके से इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहले रफ फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की निकालते हैं। इसके लिए किसी डिस्टेंट सोर्स की ब्राइट इमेज, बिल्कुल शार्प इमेज जब बन जाए तो वो हम इमेज और लेंस के बीच की डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं। मैंने यहाँ स्केल पे देखिए रखा हुआ है, तो देखिए ब्राइट इमेज बन रही है, इससे नीचे जाने पर ब्लर हो जा रही है और ऊपर जाने पर ब्लर हो जा रही है। वो रीडिंग है जब एग्जैक्ट ब्राइट स्पॉट बन रहा है वो है 10। देखिए इसके स्केल पर दिख रहा होगा कि 10 पर लेंस रखा है, तो इसकी रफ फोकल लेंथ का एस्टिमेशन हो गया। अब आपने रफ फोकल लेंथ को 10 सेंटीमीटर लिख लिया। कॉन्वेक्स लेंस में ये F और 2F दोनों साइड पर आप मार्क कर लेते हैं लेंस बनाने के लिए डायग्राम उसका। तो अब आप ये F और 2F दोनों साइड में ऐसे लिख लेते हैं और डिस्टेंस एग्जैक्टली आप मेज़र करते हैं। डायग्राम बनाने में आपको जो भी आपने थ्योरी में आपको रियल इमेज बना के दिखानी, रियल और इन्वर्टेड, तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F रखते हैं तभी तो रियल इमेज बनती है। तो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रख लिया, तो जब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी तो ये ऑब्जेक्ट पिन है। अब इस पिन से जो ऑब्जेक्ट पिन से जो रे चलेगी इंसिडेंट रे, तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से पास होगी, तो ये फोकस पॉइंट है, तो इससे ये पास हो रही है ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये ऐसे पास हो रही है। ठीक, दूसरी रे जो अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है लेंस के, तो ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली रे है और यहाँ पर ये दोनों रेज मिलती हैं, तो ये बन गई एक इमेज और ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड है। तो कहाँ पर बन रही है उसी को लोकेट करने के लिए एक इमेज पिन यहाँ लगा देते हैं। मतलब ये इमेज पिन है और ये ऑब्जेक्ट पिन है। तो जब आपने ऑप्टिकल बेंच पर लेंस को एक जगह फिट किया, स्टैंड पर इनकी एक इमेज ऑब्जेक्ट पिन और एक इमेज पिन लगाई, तो बस उसकी इन्वर्टेड इमेज कहाँ बन रही है उस इमेज और इमेज पिन के बीच में पैरलेक्स रिमूव कर लिया। मतलब आपको चेहरा हटाने पर इमेज पिन और इमेज जो इन्वर्टेड बनी है ऑब्जेक्ट पिन की, ये है ऑब्जेक्ट पिन की इन्वर्टेड इमेज और ये है इमेज पिन, तो ये ऐसे एक के ऊपर एक टिप छूती हुई और साथ साथ चलती हुई दिखाई पड़े। साथ साथ चलती हुई दिखाई पड़े का मतलब हो गया कि एग्जैक्ट वहीं पर इमेज पिन आपने रखी है जहाँ इसकी इन्वर्टेड इमेज बन। अब ऑप्टिकल बेंच में बीचों बीच में लेंस रख लेते हैं, उसकी पोजीशन से आप ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन और इमेज पिन की पोजीशन नोट करते हैं और लेंस और ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन का डिफरेंस यू, लेंस और इमेज पिन की पोजीशन का डिफरेंस वी होता है। ऐसे आपको 4-5 सेट लेने होते हैं जिसमें आप दूसरे सेट के लिए ऑब्जेक्ट पिन को थोड़ा और खिसकाते हैं। ध्यान रहे वो बियॉन्ड फोकस ही जाए, लेंस की तरफ मत लाइएगा कि फोकस के अंदर आ जाए, तब तो उल्टी इमेज नहीं बनेगी, रियल इमेज नहीं बनेगी। तो बस आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर इसको ऐसे खिसकाते जाते हैं लेंस से दूर, और अगर आप इसको बियॉन्ड एफ रखे हैं तो जो इमेज पिन है वो बियॉन्ड 2F बनेगी इमेज, तो वो इमेज पिन की पोजीशन भी आपको पता चलती जाएगी। कैसे पता चलेगी? हर बार आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पिन की उल्टी इमेज
कहाँ बन रही है, इमेज पिन वहीं ला के पैरलैक्स रिमूव कर लेंगे। तो जो एक ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको करके दिखा दूंगी, ऐसे ही आपको चार पांच ऑब्जर्वेशन ले लेने हैं। फिर आप यू और वी की वैल्यूज़ के पॉइंट्स एक ग्राफ पेपर पर मार्क करते हैं, जिसमें आप यू का मॉड लेते हैं एक्स एक्सिस पर, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड से मतलब है, वैसे तो यू निगेटिव होता है, और वी को वाई एक्सिस पर, और सारे पॉइंट्स जैसे एक ऑब्जर्वेशन के लिए यू और वी आपको पता है, तो वो पॉइंट मान लीजिए ये है, तो कहाँ यू है कहाँ वी है, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट। अब आप जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, जैसे मैंने ये रेड कलर से दिखाया है, कर्व प्लॉट करते हैं, ये हाइपरबोला कर्व होता है। इस कर्व में क्या करते हैं आप कि ओरिजिन से 45 डिग्री बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि 45 डिग्री लाइन फ्रॉम यू या एक्स एक्सिस है तो 45 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस भी होगा। तो ये लाइन मॉड यू इक्वल टू मॉड वी लाइन ही तो हुई, और ये हाइपरबोला कर्व को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस की डिस्टेंस इक्वल टू वाई एक्सिस की डिस्टेंस, और दोनों ही डिस्टेंस कितनी होगी मॉड 2f, मतलब वो डिस्टेंस फोकल लेंथ की डबल होगी और उसका आधा कर देंगे फोकल लेंथ आ जाएगी। तो बस आपको कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऐसे निकालनी होती है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को तैयार किया है, आप ऑप्टिकल बेंच पर बीचों बीच में लेंस रखेंगे इस तरीके से, और हाइट ऑफ पिंस को लेंस के मिड तक ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ा सा ऊंचा करके सेट कर लेंगे पहले इनको पास रख के। फिर आप एक रफ फोकल लेंथ, आपको 10 पता है लेंस की, तो मैंने इसको रख दिया है कितनी डिस्टेंस पर, आइए नाप के देखते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट पिन है तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं कि ये लेंस से कितनी डिस्टेंस पर है, 20.5 पर है, ठीक। तो अगर आप ऐसे 20.5 डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट पिन की लेंस से, और अब आप रीडिंग कैसे सेट करते हैं, तो अब आप देखते हैं कि अगर मैंने ऐसे यहाँ रख दिया ऐसे, तो देखिए ये पैरलैक्स रिमूव्ड नहीं है, इसको हम ऐसे सेट करेंगे कि पैरलैक्स रिमूव हो, यानी कि इमेज पिन और ऑब्जेक्ट पिन वो एक साथ हटें। आप देख रहे हैं ये पोजिशन सेट है, दिख रहा होगा आपको दोनों एक साथ हट रही हैं, दिख रहा है, ये पोजीशन जो है आपको सेट करनी होती है। और ये पोजीशन पाने के बाद आप क्या करते हो कि इमेज पिन, देखिए यहाँ पर ये इमेज पिन और लेंस के बीच की डिस्टेंस आपने मेजर कर ली, ये भी कितनी आ रही है, ये आ रही है 21.5 लगभग, आप देख रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन लेंस से सेम डिस्टेंस पर है, ये 20.5 थी और ये लगभग 21 या 21.5, ये 2f की पोजीशन है। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, इसको थोड़ा दूर कर देंगे, तो अब आप इसको फिर से सेट करेंगे। अब फिर से सेट करने के लिए अब आप देख रहे हैं, ये देखिए है ये पैरलैक्स रिमूव्ड, इस तरीके से आपको सेकंड ऑब्जर्वेशन सेट करना होता है। फिर से आपने यू और वी ले लिया, तो हर बार आपको डिफरेंट आपको, अब ये दूसरा यू हो गया, ये दूसरी वी हो गई, इसको आप थोड़ा खिसकाते हो तो आप अलग अलग यू के लिए अलग अलग वी पाते हैं, और आप ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और 45 डिग्री लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो यू और वी की बराबर वैल्यूज होती हैं, वो कितनी होती है 2f के बराबर, उसका हाफ कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या वाई एक्सिस पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें से उसकी वैल्यू जो आएगी ग्राफ पेपर पर उसका आधा कर लेंगे, वही फोकल लेंथ होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। अब देखिए एग्जामिनर अपने सामने हो सकता है एक रीडिंग भी सेट करवाए, तो आपको रफ फोकल लेंथ तो पता है ही है, उसका डबल डिस्टेंस पर आप लेंस से दोनों ओर
पिंस सेट कर दो, और थोड़ा सा भी आप खिसकाएंगे और उनका लेटरल शिफ्टिंग या हाइट को एडजस्टमेंट करके ठीक टिप टू टिप आपको इन्वर्टेड इमेज मिल जाएगी ऑब्जेक्ट पिन की, और वो इमेज पिन के ऊपर एग्जैक्टली जहाँ पर सिचुएटेड होगी आप पता लगा लेंगे, क्योंकि आपको थ्योरेटिकली तो पता है कि टू वेव पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी टू वेव पर बनेगी, और आपने रफ फोकलिंग निकाल रखी तो आप वो रीडिंग आराम से सेट करके दिखा सकते हैं। फिर ग्राफ से आपको फोकल लेंथ कैसे निकालनी है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से उसका आधा कर देंगे, फोकल लेंथ हो जाएगी। क्यों होगा ये टू एफ पॉइंट, और वाइवा के क्वेश्चंस भी कि कॉन्वेक्स लेंस से कब रियल इमेज बनती है कब वर्चुअल इमेज बनती है, तो वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको तैयार होने चाहिए। रे डायग्राम आपको खींचने के लिए दे दिया जाएगा कि ड्रॉ करिए कब इमेज इसमें वर्चुअल बन रही है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग क्यों होता है, ये सारे वाइवा क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।